ये नल जल से कोनो फायदा हमने के नहीं का है। पानी बुझ जाई जे 10 दिन माने बनी तो 10 दिन चली ओकरा बाद में फेन ओहियन को ओहियन बा तनी मनी पानी ना लम जो ले पानी मिलो बात ने पी ले जा बाद हम कॉल तो पानी बात ने बेमत ले बात ने कम कम दो लो गलो वाले बन जे बढ़िया पानी ना मिलेला का करिया सुध ही रहबे ना कोई तो काम नहीं ई पानी मिली सुध मिली पी जी हम जे 10 दिन चलेला आ मिलेला ओकरा बाद ना मिलेला बंद रहेला साल भर से बंद बा। ई नल जल लागल हमने के बहुत खुशी भइल शुद्ध हमने के पानी मिली शुद्ध हमने के नीतीश सरकार से मांग भइल जौन भी भइल ना मुखिया सुनता रहे ना सरपंच सुनता रहे ना वार्ड वाला सुनिलो वार्ड दो दो तीन तीन बार कंप्लेन दिया जबा केहू केहू जाँच के करे वाला नहीं खे गरीब के गुजारा कहीं बा गरीब के कहीं गुजारा नहीं खे जी। नमस्कार आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा झलको गोपालगंज में। दोस्तों ये समय हम गोपालगंज जिला के भोरे थाना क्षेत्र के डोमनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में पहुँचल बानी और एजा जौन बाकी जौन नल जल के समस्या बा वो काफ़ी बड़ा समस्या है जो उभर के सामने आवता और पिछला 1.5 साल से एजा के जौन लोग बा काफ़ी ज़्यादा पानी के समस्या से ग्रसित बा और नल जल के योजना यहाँ पे फेल दिखाई देता। आप हमारा बगल में देखते नहीं सारा लोग ये गाँव के ग्रसित लोग बा के घर में शुद्ध पानी नहीं के मिल पावत ये गाँव के लोग के बयान बा। ये गाँव के लोग से बात कर लिया कि कब से गांव में पानी नहीं खिया हुआ। सबसे पहले गांव के एक बाबा बनी बाबा का नाम आपके परमा चौधरी यही गांव का है। हाँ अच्छा ये बताई ये नल जल कब हलल? हाँ ये नल जल हलल हमारा भैया था 3-4 बरस हो गए। चलिए 3-4 साल हो गए। हाँ ये बताई कि कब से पानी नहीं खिया हुआ? हाँ पानी बुझ जाए जो बीच में एक बेर बन रहा 10 दिन चलल ओकरा बाद फिर बंद हो गए तब से वहीं बने बा। ये बताई कि अभी पानी के नहीं खियावत है तो कितना समस्या आप लोग इनके होता? हाँ अब 1.5 दिन से नहीं खियावत है मैं पानी। अभी और लोग बा लोग से बात कर ली क्या नाम पड़ी आपके? हरिचंद्र यादव। पानी ना आवेला रुआ पानी ना आवेला तो नहीं मनी पानी ना आवेला मैं जो ले पानी मिलो बात ने पी ले जा बस हम कॉल तो पानी बात ने बेमत ले बात ने कम कम दो लो गलो वाले बन जा बढ़िया पानी ना मिलेला का करिया ई पानी मिली सुध मिली पी जी हम जे 10 दिन चलेला आ मिलेला ओकरा बाद ना मिलेला बंद रहेला साल भर से बंद बा। अच्छा केहू एजा देख रेख करे खातिर ना आवेला विधायक विधायक कहते मुखिया सरपंच चाहे जे भी बा अधिकारी केहू ना आवेला? केहू ना आवेला आई तो बात बंद रही चालू ना रही चली ना केहू ले ना आवेला। अच्छा आप लोग इनके वार्ड साहब कंप्लेन कैले बनी तो अभी ठीक नहीं है भाई ना लैसे बोल थी मुखियो साहब अभी ठीक ना करे नहीं ना मुखियो साहब लही बात ध्यान लै जाए तो जे अपना दुआर पर हलो हलो बाबू तो पानी पियोता अरे निमन चाहे बाउर आ जरा दुआर पर जे पंच के नहीं खा तो मान लीजिए दूसरा तीसरा के लगे जाता तो 4 गो बात वो कहता ये हलवा का फायदा। 40-45 का नाम पड़ी भैया आपके? अखिलेश यादव। आपके यहाँ समस्या बा? समस्या से हरमेशी एक बा कबो ये शुद्ध चल रही नहीं खा कबो शुद्ध चलन नहीं खा 10 दिन चली 5 दिन चली 5 दिन चलाई लो 5 दिन बंद रखी लो कबो टाइम से 6 बजे चालू हुई तो कबो 9 बजे चालू हुई एक लिमिटेड नहीं चालू करे के। अच्छा अभी कितना दिन से ही खराब बा? खराब तो ये हमने के तो बाहर रह लेके हमने के तो बाहर रह लेके बाकी हमने के जब से आयल बनी के अभी 2-3 महीना हो गई तब से तो बंद है भाई। अच्छा गांव के लोग कहता कि साल भर से बंद बा हमने के तो परदेसी आदमी है के गांव के लोग यही पानी पर ज़्यादातर निर्भर हुई। पानी तो ये शुद्ध पानी क्या करा कौन अच्छा चीज़ है क्यों का अच्छा ना लगा बताई कौनों चीज़ अच्छे का थी गड़बड़ बा। मान ली हमने के गरीब आदमी बनी के हमने के कमाए खाए वाला मजदूर इंसान बनी के हमने के फूट उतना हलवाओ के औकात तो बाना हमने के 40-45-50 तक जात जात हमने के पैसा कौड़ी जो भी रहेला कर्जा हम खोज के आदमी हलवावेला जब अगर सरकार सुविधा दे तो हमने के हलवा के जरूरत ना पड़ी। मान ली इतना बीमारी होता 40-45 फुट पर पानी अच्छा था आवत नहीं खे खादर बिया इतना खेत में डला था सब नीचे जाता गर्मी पूरा रहती है बताई तो हमने के कैसे रह के आप लोग इन्हीं के ऊपर निर्भर बनी ये नल जल लागल हमने के बहुत खुशी भइल बहुत हमने के खुशी भइल शुद्ध हमने के पानी मिली शुद्ध हमने के नीतीश सरकार से मांग भइल जौन भी भइल ना मुखिया सुनता रहे ना सरपंच सुनता रहे ना वार्ड वाला सुनी लो वार्ड दो दो तीन तीन बार कंप्लेन दिया जबा केहू केहू जाँच के करे वाला नहीं खे बोली केकरा लगा जल जाए फिर बाद में रौदा से कहते नहीं अब अब वार्ड खिसिया है तू हैंगा हमारे बारे में कह देबा मुखिया जी कहीं हमारे बारे में हैंगा कह देबा गरीब के गुजारा कहीं बा गरीब के कहीं गुजारा नहीं खे जी। आप जाइए दिल्ली बॉम्बे जाइए यहाँ अगर सरकार इतना हमको सुविधा देती दिल्ली बॉम्बे हमको जाने की क्या जरूरत था सरकार से हमको यही मांग है और कुछ नहीं कि सुविधा जो दिया है वो चालू करवा दीजिए।
हम थोड़ा सा आपके ये जगह की स्थिति दिखा दी कि ये जगह की स्थिति का बा। आप देख सकते हैं नल जल के जन बाकी कवर कल बा सीटा के द्वारा और एक बगल में कितना ज़्यादा जंगल है बन चुकल बा। अंदर आपके आप स्थिति देख सकते हैं अगर अकेले के आओ को तो इनमें डर जाइए एकदम आदमी। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा करकट भी फूट चुकल बा और सारा जन बारिश के पानी बा यही में गिरेला। अब देखते हैं ये स्टेपलाइजर है कि भी एगो मशीन है, ये भी पूरी तरह से फेल बा में और वायर केबल में लागल बा। अगर थोड़ा सा भी हमें बिजली के संपर्क में आ जाए तो शायद करंट भी लग सकेला। ये जो बॉक्स देख सकते नहीं बॉक्स के भी का स्थिति बा पूरी तरह से ही फेल दिखाई देता नल जल। और प्रशासन के लगे भी गांव के लोग जाता लेकिन प्रशासन के द्वारा ये मामला के केहू सुनवाई नहीं के करत, केहू जन बाकी पर ध्यान नहीं के देत कि ये मामला के भी सॉल्व करे के चाहिए। अभी ये पंचायत के वर्तमान के जो वार्ड बनी वहाँ से बात कर जाइए और वार्ड साहब से जाने का प्रयास कर जाइए कि समस्या के छुटकारा अभी तक कहे ना मिलल और वहाँ के अपना स्तर से क्या कैले बनी और कहाँ कहाँ गई बनी। क्या नाम पड़ी आपके? हमारा ओम प्रकाश सिंह नाम है। अच्छा ये जाके वार्ड है आप? वार्ड है। अच्छा ये बताइए कि इस समस्या से कब से पंचायत के जनता मतलब आपके वार्ड के जनता परेशान? हाँ जनवरी में हमारा शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद से जनता हमारे पीछे पड़ गया कि एक साल पीछे से बंद पड़ा है इसको चालू कराइए। तो मैं जे ई साहब को पहला आवेदन दिया जे ई साहब को जी। ठीक ना उसके बाद से ठेकेदार को भेजे चार मिस्त्री को लेकर के, मिस्त्री जितना टूटा फूटा था वो सब कंप्लीट किए सब। उसके बाद से उसमें स्टेबलाइजर नहीं था, स्टार्टर ही था, उसको भी वो भी जला हुआ था, मीटर भी जला हुआ है। लेकिन उसी पर मैं एक घंटा सवेरे चलाता था, एक घंटा शाम को कि जो गर्म होगा तो ये जल जाएगा मोटर, स्टेबलाइजर लगा देंगे तब हम ढाई तीन घंटे हम चलाएंगे। लेकिन नहीं संज्ञान लिया गया तो फिर हम ब्लॉक प्रमुख के पास में दिया दूसरा आवेदन। ये दूसरा आवेदन ये जे ई साहब का है और ये ब्लॉक प्रमुख का है, ठीक है। उसके बाद भी फिर भी जांच नहीं हुआ, उसके बाद से ये मोटर जल गया बंद हो गया। उसके बाद से फिर ये बी पी आर ओ का है, बी पी आर ओ भी कोई जांच प्रक्रिया नहीं की इसका, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब जनता हमारे पीछे पड़ी है, क्या बात है, तुम्हारे को विश्वास के ऊपर तुम्हारे को जिताया हुआ है, क्यों नहीं कर रहे हो। फिर कल भी गया था मैं ब्लॉक में, कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद से मेरे को सुनने में आया कि 9 नंबर जगतौली वार्ड पंचायत से आप लोगों का नंबर मिला, मेरे साथी 8 नंबर का मेरे को नंबर दिया, तब मैं आप लोगों के पास फ़ोन किया इसको उजागर करने के लिए, जो कोई जांच करने के लिए आए। अच्छा आप अपना स्तर से हर अधिकारी के पास गए? हर अधिकारी के पास में गया। क्यों सुनवाई नहीं? कोई नहीं सुनवाई हुआ है, कोई जांच नहीं हुआ है। यहाँ पे क्यों ना आवेला? कोई ना आवे, कोई नहीं आया। तो देख सकता नहीं ये पंचायत के वार्ड के यहाँ का वार्ड सदस्य हैं, यहाँ के भी काफ़ी ज़्यादा नाराज बनी। हर तरह के अधिकारी के पास, मुखिया के पास, हर तरह के ब्लॉक लेवल के जितना भी अधिकारी के पास सबके पास ये आवेदन दिले बनी, लेकिन केहू के द्वारा पर कार्रवाई नहीं हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप शेयर करी ताकि ब्लॉक लेवल के और जिला लेवल के जितना भी अधिकारी वाले सबके पास ये वीडियो पहुँचे और सबके संज्ञान में और सब जो सब कोई मिल करके जाओ और ये वार्ड के जौन बाकी जाँच पड़ताल करो और एक ठीक कराओ के कोशिश कर जाओ।